नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीप दत्ता, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारका नई दिल्ली से। और अगले चंद मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन जिससे पूरी पृथ्वी तस्त है, तो जो मरीज जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी को प्रॉब्लम है, उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। रिसर्च ये बताती है कि जो शुगर के मरीज है, जो हृदय रोग के मरीज है, जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा रहती है, उनमें अगर कोरोना वायरस या कोविड-19 की इन्फेक्शन हो तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज़्यादा है, उनमें अस्पताल में भर्ती होने के चांस रिस्क ज़्यादा होते हैं और वेंटिलेटर लगने के चांस ज़्यादा है और मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब हमें डरना नहीं है, हमें यह समझना है कि अगर हमें शुगर या की प्रॉब्लम है तो हम अपनी दवाई टाइम से लें ताकि हमारे शुगर की कंट्रोल अच्छे से रहे। हम अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान दें। अब लॉकआउट लगी है, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो घर के अंदर ही वॉक करें, एक कमरे से दूसरे कमरे तक चले, फ्री हैंड एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को मोबिलाइज रखें। अगर आपके घर में छत है तो छत पे चले, 10,000 स्टेप हमें चलने हैं रोज, कब कहाँ कैसे पूरी आपकी चॉइस है। पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। अगर आप बीपी की दवाई लेते हो तो बीपी की कंट्रोल कम से कम 130/80 के नीचे हम रखें। टेंशन से दूर रहे, डरावने मैसेज जो न्यूज़ में आते हैं उनसे दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन रखें, अपने हैंड हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। इस तरीके से ना ही हम इस महामारी को रोक सकते हैं बल्कि इसको कुछ हफ्तों में अपने देश से ख़त्म भी कर सकते हैं। नमस्कार।